समझे की है बोले थ्री वर्कर्स राम श्याम एंड मोहन प्रोड्यूस्ड four hundred twenty units and 600 units in a week of 60 hours. Stop. Time allowed per unit. Time allowed per unit is 6 minutes. Time allowed per unit is 6 minutes. Rate per hour rupees 120. Calculate total wages of the workers under time rate, piece rate, healthy plan, Rowan plan, Taylor differential piece rate, Merrick differential piece rate. एक सम्स इसी में सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है, एक ही सवाल में पूरा चैप्टर. टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सी प्लान, रोवन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट और मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है. देखिए कैसे बनेगा. सबसे पहले सेम प्रोसेस, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज हेडिंग देके पहले जितना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. अब यहाँ पे एक वर्कर नहीं, इससे पहले सम्स में क्या था, एक वर्कर का निकालना था, अभी तीन तीन वर्कर है तो नाम लिख लेंगे राम श्याम मोहन. सेम प्रोसेस, प्रोसेस वही रहेगा. टाइम अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना दिया गया है, 6 मिनट. देयरफोर प्रोडक्शन पर आवर एक घंटा का प्रोडक्शन, एक काम करिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको बना लीजिए 660 यूनिट्स, 420 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, ज्यादा बेटर रहेगा. 660 यूनिट्स, 420 यूनिट्स और 600 यूनिट्स. प्रोडक्शन पर आवर, हर घंटा का प्रोडक्शन कितना देखिए, तो एक यूनिट बनता है 6 मिनट में, तो एक घंटा में कितना बनेगा, 10 यूनिट. एक घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट. 6 मिनट में एक यूनिट बनता है तो 1 आवर में कितना बनेगा, 10 यूनिट. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, ये राम बनाया 660 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स में 660, श्याम का है 420 और मोहन का है 600 यूनिट्स.
टाइम अलाउड देखिए कितना समय मिलना चाहिए था, एक घंटा में 10 यूनिट बनता है, 10 पीस बनाने के लिए एक घंटा मिलता है, 10 पीस बनाने के लिए एक घंटा मिलता है, तो 660 पीस बनाने के लिए 66 घंटा मिलेगा, समझ में आ रहा है, 420 पीस बनाने के लिए 42 घंटा मिलेगा और 600 पीस बनाने के लिए 60 घंटा मिलेगा। ये क्या निकला, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, कितना घंटा लगा, ये देखो कितना घंटा काम हुआ है, 60 घंटा, 60 आवर्स, टाइम सेव्ड, कौन कितना घंटा बचा दिया, देखो तो राम बचाया 6 आवर्स 6 घंटा, श्याम नहीं बचाया, मोहन भी नहीं बचाया, दिख रहा ना, राम 6 घंटा बचाया, श्याम नहीं बचाया और मोहन भी नहीं बचाया। अब देखो टोटल वेजेज, ये आप पहले लिख लेते हैं, रेट पर आवर कितना है, एक घंटा का कितना मिल रहा है, 120 रुपीज, therefore रेट पर यूनिट, ये रेट पर यूनिट हमको कब निकालना पड़ेगा, जब भी सम्स में पीस रेट का हिसाब आएगा, स्ट्रेट पीस रेट हो, डिफरेंशियल पीस रेट हो, पीस का हिसाब कभी भी आएगा तो हमको पर यूनिट रेट चाहिए, और कभी भी हेल्सी रोवन आएगा तो हमको रेट पर आवर चाहिए, तो पर आवर दिया रहेगा तो पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, या पर यूनिट दिया रहेगा तो पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ में आया, इसने सारा ही पूछा इसीलिए दोनों चाहिए। तो एक पीस का कितना मिल रहा है, तो एक घंटा में आपसे कितना पीस बनवाया जा रहा है, 10 पीस, और 120 रुपया दे रहे हैं 10 पीस का, एक घंटा खटा के 120 रुपया दे रहे हैं, 10 पीस बनवा रहे हैं, तो एक एक पीस का कितना मिल रहा है आपको, 12 रुपया। ये सारा वर्किंग्स हो गया या सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, समझ गया ना, सम्स को पहले इजी करके हम लोग अपना क्या करेंगे, डिटेल लिख लेंगे। अब टोटल वेजेस देखिए, कौन सा मेथड बोला है, टाइम रेट, टाइम रेट में टोटल वेजेज इक्वल टू आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर। पहले क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग देके फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर अब एक एक वर्कर का नाम लिखेंगे, राम कितना घंटा काम किया, 60 घंटा, राम कितना घंटा काम किया, इंटू एक घंटा का 120 रुपया, 7200 रुपया कितना मिला, 7000। श्याम का देखो, श्याम भी कितना घंटा काम किया, 60 घंटा, 120 रुपया करके इसको भी मिलेगा 7200 रुपया, और मोहन को भी 60 घंटा 120 रुपया करके 7200 रुपया। टाइम रेट जब पढ़ाए थे तो उसका डिसएडवांटेज में था ना, डज नॉट कंसीडर इफिशियंसी, इफिशियंसी को कंसीडर नहीं करता है, सबको देखो मिला 7200 रुपया, जबकि राम बहुत ज्यादा बनाया, श्याम बहुत कम बनाया, मोहन एवरेज बनाया, क्लियर है, तो भी सबका मजदूरी क्या हुआ, बराबर हुआ, क्लियर, समझ मिटा दे। दूसरा देखिए पीस रेट, पीस रेट में टोटल वेजेज इक्वल टू होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, जितना यूनिट बनाया इनटू पर यूनिट जो रेट है। तो राम का देखो, राम कितना यूनिट बनाया, 660 यूनिट्स, इनटू पर यूनिट कितना है, 12 रुपया,
कितना हो जाएगा 7920 रुपया। समझ में आ रहा है? श्याम का देखो, श्याम कितना बनाया 420 यूनिट इंटू 12 रुपया 12 रुपीज पर यूनिट कितना हो जाएगा देखिए 5040 रुपीज। और मोहन का देखिए 600 यूनिट्स इंटू 12 रुपीज पर यूनिट 7200 रुपया। क्लियर? अब देखिए थर्ड हेल्सी प्लान, टोटल वेजेज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस, या बेसिक प्लस बोनस क्या है 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। अब बेसिक देखिए राम का कितना घंटा काम किया 60 घंटा, कितना रुपए करके 120 रुपए करके, प्लस बोनस देखिए 1/2 इंटू टाइम सेव्ड 6 घंटा रेट पर आवर 120, ये कितना बता 7200 रुपया, प्लस ये कितना हो गया 360 रुपया। क्लियर है? 7560 रुपया किसका आया? राम का। श्याम का देखिए, श्याम कितना घंटा काम किया 60 घंटा इंटू कितना रुपया करके 120 रुपया करके, बोनस नहीं मिलेगा इसको क्योंकि ये समय नहीं बचाया। हेल्सी और रोवन में बोनस उसी को मिलेगा जो आपका समय बचाएगा, कम समय में काम करेगा। ये लोग कम समय में काम नहीं किया, ये लोग पूरा, ये तो 60 घंटा में सिर्फ 420 पीसी बनाया, समझ रहा? 42 घंटा का काम 60 घंटा में किया और वो 60 घंटा का काम 60 घंटा में किया, दोनों जन समय नहीं बचाया, तो ये लोग को सिर्फ बेसिक मिलेगा 7200 रुपया। और मोहन को भी 60 घंटा इंटू 120 रुपया 7200 रुपया। क्लियर? समझ में आया? अब रोहन प्लान देखिए, रोहन प्लान, रोहन प्लान में टोटल वेजेज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस, या बेसिक प्लस बोनस का फॉर्मूला देखिए टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। राम का देखिए कितना घंटा काम किया 60 घंटा इंटू 120 रुपीज पर आवर बेसिक, प्लस बोनस देखिए टाइम सेव्ड कितना है 6 आवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड कितना था 66 आवर्स, इंटू टाइम टेकन 60 आवर्स, इंटू रेट पर आवर कितना है 120, कितना निकल रहा है देखिए, ये हो गया 7200 रुपया प्लस 7854 रुपया 50 पैसे हो गया। श्याम का देखिए श्याम कोई भी समय नहीं बचाया, मोहन भी कोई समय नहीं बचाया, ये लोगों को सिर्फ बेसिक मिलेगा 60 घंटा 120 रुपया 7200 रुपया। मोहन सेम 60 घंटा इंटू 120 रुपया 7200 रुपया। नेक्स्ट क्या पूछा था हम लोग से? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट देखिएगा, टेलर डिफरेंशियल
पीस रेट। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, मतलब कितना पीस बनना चाहिए था, तो 60 घंटा इंटू 10 यूनिट, एक घंटा में 10 यूनिट बनता है, तो 60 घंटा में बनना चाहिए था 600 यूनिट। राम कितना बनाया देखो ध्यान से, 660 यूनिट, दैट इज एबव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज्यादा, जितना बोला गया था उससे ज्यादा। राम प्रोड्यूस्ड, श्याम प्रोड्यूस्ड 420 यूनिट्स, दैट इज बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से कम। अमोहन प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स, 600 बनाना था, पूरा 600 बनाया, दैट इज एट स्टैंडर्ड। अब फॉर्मूला के हिसाब से, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि यदि कोई बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा तो उसको 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा, कोई एट स्टैंडर्ड या एबव स्टैंडर्ड काम करेगा तो उसको 120% पीस रेट का मिलेगा। देयरफॉर टोटल वेजेस देखो कैसे निकलेगा राम का, राम तो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया, तो 660 यूनिट्स इंटू पर यूनिट कितना 12 रुपया इंटू 120%, 660 इंटू 12 रुपया इंटू 120% 9504, इसका मजदूरी कितना हो गया 9504। श्याम का देखिए, श्याम देखिए बिलो स्टैंडर्ड काम किया, तो 420 यूनिट्स इंटू 12 रुपया इंटू 80% मिलेगा इसको, 420 यूनिट्स इंटू 4032। और मोहन का देखो 600 यूनिट बनाया एट स्टैंडर्ड इंटू 12 रुपया इंटू 120%, तो 8640 रुपया। क्लियर समझ में आया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। ऊपर का देखिए मिट गया, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट देखिए, पीस रेट मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट में हम लोग को इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, कौन कितना इफिशियंसी से काम किया, तो इफिशियंसी देखिए राम का, किसी का भी इफिशियंसी निकालने के लिए सिंपल सोचेंगे कि ज्यादा इफिशियंसी से किया कि कम इफिशियंसी से। बनाना था 600 पीस, 60 घंटा में कितना बनाना था 600 पीस, राम बनाया 660 पीस, ज्यादा बना दिया, इसका मतलब इफिशियंसी क्या है ज्यादा है, कितना तो ज्यादा बटा कम, देखिए 660 बटा 600 इंटू 110%, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 110% राम का। श्याम का देखिए, श्याम को बनाना था 600, बनाया 420, कम एफिशिएंसी तो कम ऊपर रखेंगे 70% आएगा, कितना 70%। मोहन का देखिए, बनाना था 600, बनाया भी है 600, 100%। तो राम का एफिशिएंसी 110% है, तो इसको कितना वेजेज मिलेगा, अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि यदि आपका एफिशिएंसी 83 1/3% से कम होता है तो आपको नॉर्मल रेट मिलेगा, जो रेट है वही मिलेगा, आपका एफिशिएंसी 83 1/3 या उससे ज्यादा है, 100 से कम है, तो आपको 110% नॉर्मल रेट का मिलेगा,
और आपका इफिशियंसी 100 या उससे ज्यादा है तो आपका नॉर्मल रेट जो भी है उसका 120% मिलेगा। तो इसको इसका इफिशियंसी 110% है, दैट इज 120% ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का 120% मिलेगा। इसका इफिशियंसी 70% है तो इसको नॉर्मल रेट मिलेगा 83 1/3 से कम है देखो, और इसका इफिशियंसी 100% है तो 100% या उससे ज्यादा वाला को 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। अब देखिए टोटल वेजेस निकालते हैं हम लोग राम का, कितना पीस बनाया 660 यूनिट्स इंटू 12 रुपीज पर यूनिट इंटू 120%, 660 यूनिट 12 रुपीज पर यूनिट इंटू 120% सेम 9504। श्याम का देखिए, श्याम को नॉर्मल रेट मिलेगा मतलब 420 यूनिट इंटू 12 रुपया कितना मिलेगा 5040। और मोहन का देखिए, मोहन का 120% नॉर्मल रेट का मिलेगा मतलब 600 यूनिट्स इंटू 12 रुपीज इंटू 120% इसका 8640। क्लियर है?